चलो चलिए, शुरुआत होने जा रही है आज के सेशन की। तो सबसे पहले मुझे आप सबसे पूछना है कि इतने सालों से हमारे सेशंस चल रहे हैं, भले ही वो जूम पर तो 2020 से चले हैं, लेकिन 2014 से लगातार चल रहा है ग्रुप में। तब से अब तक जो 8-9 साल हुए, आप में से काफी लोग 8-9 साल से भी जुड़े हैं, तो इस जुड़ाव में पहले के समय का और आज के समय का क्या अंतर बता सकते हैं? वॉलेंटरीली कोई भी बताए, एक एक करके। नंबर दो क्वेश्चन, पहले तो ये कि डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो भी आपके जीवन में चला सेशंस के रूप में, इसने आपको कुछ प्रदान किया या कुछ ले लिया? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हमने इसमें कुछ खोया या पाया, और खोया पाया की कैटेगरी क्या है? बस ये तीन क्वेश्चन है मेरे, कोई भी बताए। कोई भी, मैं करना चाहती हूँ, हाँ मैं अपनी आत्मावलोकन करती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि आज जिस चीजों पे खड़े हैं ना, आज हम बहुत स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं। हमारी हर चीजों में ना एक इनर स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करती है और वो हमको महसूस होती है। कुछ लोगों को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या ऐसे रहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जो कुछ आउटसाइड हमारे जो फैमिली में या कॉन्टेक्ट में, बट हमारे अंदर एक क्लैरिटी है और एक गुण मतलब एक स्ट्रेंथ हो गई। और सेकेंड थिंग, हम लोग बहुत इमोशन से फ्री हो गए। और पहले क्या होता था, हम अटैच्ड होते थे, इमोशंस होते थे हमारे, और हम उसी में एनग्रोस्ड रहते थे। मतलब हम सोचते थे कि हम तो ट्रू लव कर रहे हैं, पर हमारे साथ वैसा रिटर्न में नहीं हो रहा। बट अब कैसा हो रहा है, हम दे रहे हैं पर हम हट जा रहे हैं, तो हमारे अंदर इमोशंस कम हो गए। अब पहले हम कुछ चीज होती थी तो हमें हर्ट होता था और वी यूज्ड टू बी क्राइंग फॉर डेज, एंड अब ऐसा होता है कि वी लेट गो इमीडिएटली। हमारे अंदर जो क्लैरिटी आई है, अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस में हम पता कर हो जाते हैं। कहाँ मतलब घटनाक्रम घटित होता है, हमें ऐसा लगता है ऐसा है, नहीं होना चाहिए था, हमें थोड़ी देर के लिए कष्ट भी होता है पर दुख नहीं होता, पीड़ा आती है बट वो जैसे होता है ना, चलते चलते हमें चोट लगी, हमें एहसास हुआ रही दर्द हो गई या ज्यादा लग गई, बट थोड़ी देर बाद हम अपनी चीजों में फिर आ जाते हैं। एक तो ये, और दूसरा हम अपने करीब आ गए, हम बहुत सारी चीजों से फ्री हो गए। हम मतलब जैसे एक एज अ वर्किंग पर्सन, समटाइम्स आई फील, वी ऑलवेज फील द प्रेशर ऑफ वेरी वेल ड्रेस्ड, ऑल द टाइम अपीलिंग पीपल, ऑल द टाइम प्लीजिंग द मैनेजमेंट एंड द पीपल अराउंड। बट नाउ इट इज लाइक यू आर व्हाट यू आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रूथ एंड यू आर ऑफरिंग व्हाट यू हैव, यू आर नॉट फेकिंग अप एनीथिंग, यू आर नॉट प्लीडिंग एनीथिंग। तो एक तो आप अपनी लाइफ में बहुत डिग्निफाइड हो गए, आप अपनी नजरों में आप उठ गए हो, तो अब बाहर आपको कष्ट नहीं होता कि ऐसे कैसे जिएंगे, ऐसे कैसे चलेगा, आपके अंदर वो द्वंद नहीं चलता, हम ऐसे ही चलेंगे। हमें अपने साथ समझौता और सहमति हो गई, हमने समझौता नहीं किया, हमने अपने साथ सहमति कर ली, हम ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से नहीं चल पा रहे। दुनिया हमें फेक बनाती है, दुनिया के हिसाब से ऐसे चल रहे हैं कि दुनिया हमें फेक बनाती है। दुनिया हमें कहती है ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम खुश हो, ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम बहुत अच्छा कर लोगे, पर अब हम लोग वो चीजें नहीं करके हम एक्चुअल पे बात करते हैं, तो उससे हमारे अंदर हमारे साथ समाधान आता है, हमारा खुद से झगड़ा नहीं होता, हम किसी अननेसेसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फालतू के लालच में आके। तो ये हमारी जो खुद की क्लोजनेस है वो प्रेशियस हो गई है। अब वो हम कोई भी लेवल पे आके
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने अंदर एक महसूस किया, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ये जो फ्रीडम है, ये जो अंदर का जो एक इंडिपेंडेंस है, ये बहुत बेशकीमती है। और जितना हम अपने अंदर क्लोज होते जा रहे हैं, ये इसकी जो नीड है ये बढ़ती जाती है। तो मैंने ये महसूस किया। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा तुम्हारा आउटपुट रहा है, बड़ी प्रसन्नता होती है इस भाव में आप आए हो तस्लीम। क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं फील कर रहे तो समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ है, या तो रास्ता नहीं पकड़ा है, या रास्ता पकड़ लिया है तो फिर कहीं और रास्ते की तरफ चल दिया। इस रास्ते पे फ्रीडम का तो अनुभव होना ही चाहिए। अगर फ्रीडम नहीं है तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। हम एक्सटर्नल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भीतर की फ्रीडम। बाहर में जो भी जीवन जैसा भी है वो ठीक है, वैसे ही है सबका, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बाहर जैसा भी रह रहा है रहने दो, उसको हमारा क्या ले रहा है वो। लेकिन भीतर में अगर समाधान है, भीतर में अगर ये चीज है, तो समथिंग इज गुड, वेरी गुड। चलिए, और कोई? कितनी अपनी बहन? जी बहन, बात आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? भैया आ रही है। जब हम 2014 में जुड़े थे ना, तो हमें बहुत अंदर पीड़ा बहुत थी हमारे अंदर, बहुत ज्यादा। हम हमेशा, मतलब मैं क्या बैठी थी, हमेशा दूसरों को देखती थी कि फलाना सहयोगी बहुत अच्छा है, उसके जीवन में समाधान है, वो हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है। मतलब जानी सच्चाई का हमें पता नहीं था। हमें लगता दूसरों के चेहरे देखकर कि ये समाधान हमें बहन आपका मोबाइल, इसके जैसे, पर हमारे रमनी बहन समाधान आपका, एक मिनट, आपका मोबाइल या तो आपसे काफी दूर है या आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आपका मेरे दूर ख्याल फैन की वजह से अब आ रही है। अब ठीक हाँ है, अब आ रही हाँ ठीक है, पीछे से रुक रुक के आ रही फैन थी। की आवाज ठीक है। हाँ भैया, मैं कह रही हूँ कि जब हम 2014 में जुड़े थे ना इस ग्रुप से, तब हमारे अंदर सफरिंग, पेन बहुत कुछ था। मतलब हर वक्त पीड़ा में रहते थे, और हमारी अपनी क्या होती थी, दूसरों से हमें मिलती थी, हम समझ पता है कि ये सब हमारे जीवन में क्यों है। जब हम किसी को कुछ बुरा करते नहीं, बुरा सोचते नहीं, क्यों है? और साथ ही साथ हमें ये लगता था कि सहयोग में आकर, कृष्ण माता जी कहते हैं कि सब चीजों का समाधान मिलता है। अच्छा, अभी हम वैसे सहयोगी नहीं बने, हम दूसरों को देकर उनसे कंपैरिजन करते थे। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये तो हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है, पर हमारे अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, सफरिंग है, जो जाती नहीं। एक्चुअली हम स्वयं से जुड़े ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि स्वयं से जुड़ना क्या होता है। और ये तो जैसे जैसे हम ये सेशंस अटेंड करते गए ध्यान के, तो हम स्वयं से जुड़ते गए, खुद से पहचान पाए कि हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, कि किस तरह से हमें अंदर से समाधान बने, वो अपने आप होता गया। एनर्जी के फ्लो से, एनर्जी का फ्लो ही फील होता था। बस चुपचाप हम मतलब कर रहे थे, हमें श्री माता जी से प्रेम था, और यही लगता था कि यही वो रास्ता है। इतना 100% श्योर था कि यही वो रास्ता है जिससे हमें जो जीवन में चाहिए, जो हमें शांति, जो सुख, जो आनंद चाहिए, वो हमें यहीं से मिलना है। ये 100% यकीन था। तो जैसे जैसे सेशंस होते गए, बहुत बहुत हम गलतियां भी करते थे, फिर आपको फोन करना, फिर आपने समझाना, बार बार उस इमोशंस में फंसना, फिर इन चीजों से हम धीरे धीरे निकलते। और मतलब काफी टाइम लगा उस पर, अब जो टाइम है, अब जो है, ऐसे लगते कि
जैसे होता है ना फल देने वाला टाइम है, अब लगता है कि सारी जिंदगी अब सेटल हो गई है, अब हमें जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं, सब कुछ हर चीज का आनंद ले लिया, अब तो बस इसमें अब ध्यान धारणा में बस हमने गहराई में उतरना है, इसका आनंद ले रहे हैं हम बहुत, इस वक्त इतना ब्लेस फील कर रहे हैं ना कि बाहर कुछ भी होता रहो पर अंदर हमारे कोई अब हलचल नहीं होती जैसे पहले होता था, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब आपकी आवाज अटक रही है बहन। और भी। हाँ जी, आपकी आवाज बीच बीच में अटक जाती है, पता मैं के नहीं कैसे। पहले हमें ना अपने भीतर पता नहीं भैया, सबसे ज्यादा तो हम फ्रीडम का आनंद ले रहे हैं जो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मिल रही है, पहले ना बाहर से फ्रीडम होती थी ना हमारे भीतर थी, अब हर चीज से फ्रीडम महसूस करते हैं कि जो हमारे अंदर फियर्स थे, इमोशंस थी, कंडीशनिंग थी, संस्कार थे, उन सब चीजों से जो फ्रीडम मिल रही है ना, ये बहुत ही एक ब्लेस्ड पीरियड महसूस कर रहे हैं। और जो लास्ट सेशन था मृत्यु का, अरे अब जो हमें है, अगर मृत्यु भी आ जाती है तो हमें लगेगा कि बस हमने जीवन को जी लिया, अब जीवन में कोई शिकायत नहीं रही, पूरी तरह से इतना से जी लिया, जब मर्जी वो ले जाए मृत्यु की। वो शांति हो गई। बहुत शांति भैया, जिंदगी से कोई अब गिला शिकवा नहीं रहा, कि अपने आप में लगता है कि हाँ माँ ने हमें वो स्थिति दी है, अब और अच्छी स्थिति दे इसको कायम रखे, और जो भी हमारे कांटेक्ट में है उसको भी ये स्थिति मिले, बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है इस शांति को पाकर, जो सबसे बड़ा खजाना है हमें मिला है जो अच्छा बहन, एक प्रश्न पूछूंगा। आप पंजाब में हैं, अभी पंजाब में बाढ़ वाड़ का पानी आ रखा है जगह जगह। डेरा बस्सी में एक मंजिल तक के मकान डूब गए। चंडीगढ़ में हाँ सड़क के जी, नीचे का हिस्सा बह गया, दो तीन जगह मतलब सड़क ही गायब हो गई, ऊपर ऊपर की परत रह गई है ना। और अभी भी हाई अलर्ट है, रेड ऑरेंज मतलब रेड अलर्ट चल रहा है कि वो नंगल से पानी छोड़ना ही छोड़ना है उन्होंने। अभी कल मैं देख रहा था एक जगह, कौन सी जगह थी, वहां पूरी गाड़ी डूबी हुई है, लोग गाड़ी में से सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहीं खड़ी होंगी गाड़ी, पूरी पूरी उसमें बाढ़ आई हुई है वहां पे। ये जालंधर के आसपास का एरिया। तो आपके यहाँ एक बार, 2-3 साल पहले की बात है, आपके यहाँ आया था पानी थोड़ा बहुत लुधियाना में। अब ये सारे मंजर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, क्या दिल में कुछ ऐसा लगता है कि भाई दहशत सी कहीं ऐसा ना हो जाए, यहां भी हो जाए तो क्या भैया होगा? बिल्कुल 1% भी इसका असर ही नहीं हो रहा, ऐसे है कि मतलब क्या बन गए मतलब 1% भी रत्ती घर भी नहीं आता कि इतनी सारी न्यूज़ सुन रहे हैं, हर कोई डरा हुआ है कि क्या हो जाएगा, पर हमें कोई जरा सा भी नहीं कोई फर्क पड़ नहीं फर्क पड़ रहा, नहीं। क्योंकि अभी बरसात ऊपर अभी भी चल रही है, तो उसके बाद पानी कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। दिल्ली में कनॉट प्लेस तक पानी पहुंच गया है, कनॉट प्लेस तक, क्योंकि वो जो हथनी कुंड, वो जो है हरियाणा में बांध है डैम, उसके कारण भी पूरी बाढ़ आ गई है यहाँ दिल्ली में। जमुना वाले के नीचे के किनारे तो सारी मतलब नीचे वाले एरिया में तो सब जगह बाढ़ है दिल्ली के अंदर, कई घर खाली कराने पड़ रहे हैं। आप सब न्यूज़ तो देख रहे होंगे। तो जी देख रहे हैं एक भैया, ऐसी स्थिति आ रही है कि भैया पता नहीं कि कौन कौन कहाँ कहाँ डूबेगा मालूम नहीं। बिल्कुल तो क्या ऐसी फीलिंग आती है कि ठीक है डूब डाब जाए, भाई क्या करना है, समय है आएगा तो आएगा, देखा जाएगा, है ऐसा लगता है या डर लगता है किसी किसी को? नहीं भैया, मैं तो कह रही हूँ 1% भी भय नहीं आता, 1% भी विचार नहीं आता, बस ये होता है कि जैसा ठीक है परमेश्वरी को पता है जैसी आनी आ जाएगी, पर चिंता या डर कुछ नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, चिंता नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी बात है।
बहन एक बात बताइए, जैसे पारिवारिक स्थितियां 10-12 साल में, पिछले 8-10 साल के अंदर आपने क्या परिवर्तन महसूस किया अपने अंदर पारिवारिक स्थितियों को लेकर? हाँ, मेरे पहले हर बात समझानी पड़ती थी लोगों को, मतलब डरते थे हमें कुछ भी नई चीज बताने में, पर अब लगता है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी उनको बताएंगे, वो अप्रिशिएट किया जाएगा। अब एप्रिसिएशन ही मिलती है, कोऑपरेशन मिलता है फैमिली का। मुझे तो बहुत ज्यादा इसके लाभ हुए, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत डर डर के रहती थी सभी से, मगर मेरे को तो लगती कि अब मैं बहुत अपने आप को बेस्ट फील करती इस मामले में, कि सभी सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिसने जितना समझना समझ लेता है, कोऑपरेशन ही मिलती है सब सब कामों में। तो आप ये जो परिवर्तन आया है, आप किस कारण मान क्या कारण मानते हैं जो परिवर्तन आया है, उसका कारण क्या है वास्तविक? भैया, अंदर की शांति, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस सब में रहते हैं, मतलब साइलेंट रहते हैं, बस यही परिवर्तन है कि इतना साइलेंस, इतनी अंदर शांति आ गई है ना, कि ये उसी का परिणाम लगता है मुझे, जो संभव नहीं था। अच्छा, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके अंदर, जैसे पहले आपके मतलब आप मान लीजिए जुड़े थे सहयोग से, पहले फैमिली मेंबर तब कैसा समझते थे और अब कैसा समझते हैं? अब ये इस बात से भी खुश है कि पहले हमें ये बड़ी कंडीशनिंग होती थी, हर संडे हमने जाना है, जरूर जाना है, कुछ भी हो। वो लोग कई बार हम उनको तंग करते थे। मतलब कोई जरूरी भी चीज है तो उसको छोड़ के हम वहां भागते थे। फैमिली मेंबर्स इस बात से खुश हैं कि अब ये लोग आराम से बैठकर घर पर बैठ के अपना ध्यान करते हैं। तो भागा इस भागी नहीं बात है, से वो बहुत, अगर भागा भागी नहीं कहीं पे। तो हाँ, अब भागा भागी खत्म हो गई है। और एक चीज और भी खत्म फैमिली मेंबर को दिखाई देती है, वो जो आपने बता ही दिया कि शांति है, धैर्य है एकदम, ये परिवर्तन तो बिल्कुल, दिखता ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? चलिए, 2014 से नहीं, जब से भी आप जुड़े हैं, जब से भी आप में से कोई जुड़े हैं, तब से अब तक की यात्रा। भैया जय श्री माता जी। भैया, प्रियंका, आपने पूछा, पहला क्वेश्चन था कि 2014 में जब हम लोगों ने इविल हंटर्स ज्वाइन किया था, और हाँ सेकंड क्वेश्चन था कि जूम सेशन के बाद क्या हुआ, थर्ड वन। नहीं, मेरा जूम सेशन से मतलब नहीं था, मेरा ये था कि जब 2014 से अब तक हाँ, वो था मेरा तो खाली। दूसरा तो मैं भी भूल अच्छा, गया क्या था, 2000 तो यही याद दिला दो, मैं भी भूल ये चुका हूँ। है भैया कि 2014 से जब जुड़े, जैसे ही ग्रुप बना तो ये हाँ हुआ कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ भैया से डिस्कशन हो गया, भैया कुछ हम लोगों को बताएंगे। ये अंदर पहले फर्स्ट टाइम यही आया था जब 2014 में ग्रुप बना, तो जैसे ही आपने वो डालना शुरू किया तो कहूंगी कि ध्यान तो करते थे, पर जिस टाइम जो आया ऑडियो हमने ध्यान किया, वहीं तक वो जो टाइमिंग था उतना अच्छा फील किया, सब कुछ परमात्मा से एकाकारिता महसूस हुई, एनर्जी फीलिंग हुई, लेकिन वहीं वहीं पे हुई। उसके बाद हम लोग उसको जीते नहीं थे, घटित नहीं हो रहा था कुछ भी। मेरे साथ ऐसे हुआ कि कुछ घटित नहीं हुआ, मैंने उसको जिया और वही छोड़ दिया। तो क्योंकि जो चीजें 2012 वाराणसी के बाद चीजें थोड़ा चेंज हुई, कि अब चेंज जो और सब ऐसा चलता रहा, फिर वाराणसी के में वर्कशॉप के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, और जूम सेशन के बाद ये पूरी तरह से क्लियरिटी आई कि ध्यान में बैठक कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, बिना आत्म निरीक्षण के, आत्म अवलोकन के कुछ भी नहीं होगा। कोई भी प्रगति खुद से लौट के एनर्जी नहीं दे सकेगी, खुद से ही करना पड़ेगा।
अंदर झांकना पड़ेगा, बिना झांके नहीं चलेगा। तो ये सब जूम सेशन के बाद हम धीरे धीरे से सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अब ऐसा एहसास हुआ है कि अब छत पे पहुंचे हैं और पूरा क्लियरिटी दिख रही है, जैसे कि आप नीचे से आकाश को देख रहे हो। एक बार देख लिए फिर रूम में घुस गए, वही वाला बात है हो रहा था। अब है कि सीढ़ी चढ़ के हम छत पे आ गए, पूरा आसमान है, खुला आसमान। तो वो वाला चीज अब फील हो रहा है कि आसमान है, आजादी है। और आप कभी भी वननेस को आप अगर खोते हो थोड़ी देर के लिए भी, तो अपनी गलती से खोते हो, वो हमेशा है, कायम रह रहा है। वो स्थिति बनी। और दूसरी स्थिति ये बनी कि अब आप गजब का एक्सेप्टेंस आया, और मृत्यु जैसी चीज जो उसको मुंह से बोलना भी लोग ऐसे समझते थे, वो हमारे लिए इतनी मतलब एक होता है ना प्यार हो जाता है उससे, वो एक प्यार हो गया। वो जो आपने नेक्स्ट लास्ट लिख कराया था, पहले भी सेशन मृत्यु के काफी हुए हैं, तो मैं ये कहूंगी भैया कि पहले स्वीकार हो गया कि अरे मृत्यु तो आनी है, वो तो अब अवश्यंभावी है, अच्छी चीज है, हमें बहुत अच्छा शानदार मौत हो जाए हमारी, इससे अच्छा क्या चाहिए। यही यही हम हमारा ये हो गया था। लेकिन जैसे आपने ये जो लास्ट चैप्टर खोला, अब ये हो गया कि उसको वरण करना पड़ेगा, उसके वरण से ही ना पूरा तरह से आदिशक्ति उतर पाएंगी, उसके बाद ही हम उनको पूरा प्राप्त कर पाएंगे, उसके बाद ही इस संसार को भी कतरा कतरा जी पाएंगे। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, एक वीक तो लग रहा है ना कि बीता है क्या, एक वीक ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब ट्रिमेंडस चेंज, ये वाला जो चैप्टर खुला है मेरे तो बहुत बड़ा ये लेके दिख रहा है। ये अगर एक चैप्टर अगर खुलता रहा, ये बहुत बड़ा है, जैसा आपने बताया है, पढ़ने से बहुत पढ़ना मिलेगा तो बहुत मजा आएगा, तो अलग ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि हर एक पल बस बीतेगा और हर एक पल जिएंगे, इसके सिवा कुछ बचेगा नहीं। यही तो चाहिए कि पल पल में जीना है, पल पल में जीना है। सेकेंड थिंग कि जैसे ही मृत्यु को वर्णन किया, मुझे सराउंडिंग में गजब का चेंज लग रहा है। चेंज तो 1-2 साल से भी लग रहा है, लेकिन अब मतलब एक वीक से बहुत चेंज लग रहा है। मुझे सब सबसे ग्रेटिट्यूड हो रहा है। अच्छा, इसने मेरी चेतना के लिए भी उत्थान के लिए कार्य, अच्छा इसने भी मेरी चेतना को उत्थान में कोई बाधा नहीं दी, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, मतलब जिसने मेरी चेतना के उत्थान में कोई बाधा नहीं की, मुझे सबके लिए आज के डेट में ग्रेटिट्यूड, हो चाहे कोई भी पर्सन हुआ, अब हो गया है ये वाला चीज, अब आ गया, कुछ दिया लिया कुछ नहीं, लेकिन मेरी चेतना के उत्थान में उसने बाधा नहीं पहुंचाई है, वो बहुत सही है, वो इससे बहुत सही आदमी है ये चीज आई हो गया। फायदा हो गया ना भाई, जिसको हम ऐसे ही बस छोड़ देते हैं चलो कोई नहीं, उसके प्रति भी प्रेम आ जाता है। अरे भाई इसने तो बड़ी मदद की हमारी है, तो हाँ कोई हाँ गिला शिकवा हाँ नहीं रहता, ना शिकवा ना शिकाया, तो कुछ नहीं। बहुत सुंदर स्थिति। जिसने अच्छा किया हमारे लिए वो तो अच्छा है ही, जिसने बहुत बुरा किया तो उसने बहुत ही अच्छा किया, समझना, जिसने बहुत बुरा किया याद हमारे साथ उसने तो सबसे अच्छा किया। है कुछ लोग और सच में बहुत अच्छा किया, इस ओर जो झुकाव होता वो कारण वही था, रूट कॉज वही, बहुत सही है। तो एक एक अंदर से एक मुक्ति की अनुभूति हुई थोड़ी सी, हाँ, जैसे आप जिस मुक्त अवस्था की बात करते, शायद उसको चखा है क्या, चख लिया क्या इस बुक में, ऐसा लग टेस्ट कर रहा है। लिया। वेरी गुड वेरी हाँ गुड। अभी तो वेजिटेबल टेस्ट करने के लिए मिली हुई है, फिर खाने के लिए भी मिलेंगी, डोंट वरी। शुरुआत में तो फिर टेस्ट ही करता है ना इंसान, अभी जरा चखा दो, ठीक लगेगा तो खा लेंगे। तो चखने में तो टेस्ट ही बहुत लगा है। अब ऑर्डर करेंगे, भैया यही वाली सब्जी ला दो, यही अच्छी है। ऐसा होता है ना, हाँ जी किसी होटल में जाते हैं तो 5-7 जने हैं मान लो, तो क्योंकि भाई एक एक प्लेट ले आओ, पहले खा लिया, हाँ ठीक लगी, अच्छा भाई अब ये दो दो प्लेट ले आना। सही, तो ऐसा ही करते ये हैं। जो रेसिपी है मृत्यु नाम की रेसिपी को टेस्ट करके देख लिया ना, बड़ी टेस्टी है, बहुत कुछ मिलता है इससे। हाँ जी अभी भैया, क्या है जय श्री इसका माता आज, जी भैया। 1 मिनट बहन, बीच में 1 मिनट रुक जाओ, बात खत्म होने दो। ये जो मृत्यु नाम की जो रेसिपी है,
अगर कोई सच्चे दिल से चखेगा ना, फिर इसके अलावा कुछ खा नहीं पाएगा। मुझे तो यही अच्छी लगेगी बस, सच्चाई है। अब होता क्या है कि एक तो कहते हैं मृत्यु, भाई ऐसे कैसे एहसास हो जाएगा, मरे तो है नहीं। लेकिन बेसिकली अब ये समझ में आ चुका ना आप लोगों के कि मृत्यु है किस चीज की, हाँ जीते रहते हुए मृत्यु किसकी होनी है, ये समझने वाली बात है? क्यों, जीवित रहते हुए मृत्यु किसकी है बताओ, किसकी मृत्यु हुई जिसमें मजा आया? अरे हमारे स्वयं की बाहरी अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गई। अभी जो हम लोग हैं बीइंग पूर्णता, जितने भी ढो के लाया है ना, जो अभी भी जन्म से ढोया और पिछला भी, वो सब फिनिश, एकदम नया चैप्टर। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसा फील करता होगा, वैसा वाला फीलिंग, सब कुछ खत्म। और असली तो अगर मृत्यु, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं, अब ठीक है भैया, नहीं इतना बीच में बोलो बोलो बोलो, फिर मैं बताऊँ। नहीं, बस वही कि फिर आप जीवन का रस देना चाह रहे हो, आप उसको एक्चुअल में जीना चाह रहे हो। फिर जो मुक्ति की अनुभूति है, वो सबसे बड़ी अनुभूति क्या है? हमारी मुक्ति की प्रीति सबसे बड़ी अनुभूति क्या है? जब हम फ्री है नोशन से, सोल हमारे का ही एक माइंड, आजादी, एक सोल को मिलती है। मतलब एक जैसे अब सब कुछ खत्म है, नया अध्याय जैसे शुरू हो रहा है, जीवात्मा का आनंद है हर स्थिति में, आनंद आनंद। नहीं, आनंद मुक्ति की पहली अनुभूति नहीं है। आनंद तो इनिशियली बहुत सारी चीजों में आ जाता है। जड़ता की ना जो अंदर उस मुक्ति में, हाँ? जड़ता थी ना जो अपने अंदर, उससे मुक्ति मिली थी। चलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, आप महसूस करके देखना। सबसे बड़ी मुक्ति पता है किस चीज से, सबसे नंबर वन पे मुक्ति किस चीज से होती है? तेर मेर से, ये मेरा ये तेरा। सही बात है, सबसे बिल्कुल बड़ी सही, मुसीबत बिल्कुल सही। ये मेरा ये तेरा, ये तेरा ये मेरा, है मुसीबत ये बहुत बड़ी। महसूस किया इस बात को? है बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का रहम। ये जो तेर मेर वाली कहानी है ना, यही मकड़ी का जाला पूरी जिंदगी, इंसान की जिंदगी में आपकी उसको पकड़े रखता है। तेर मेर, ये मेरा ये तेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, और पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, पूरी दुनिया में, इसके अलावा कुछ है संसार में? है कुछ? आज मेरे पास एक सहजी का मैसेज आया, उन्होंने वो दिखा रखा था, ये जो अभी लड़का नहीं है, ये कृष्णा जिसने वो इम्पल्सिस से ऑडियो को बनाया है, एक दो ऑडियो भेजकर उन्होंने कहा कि देखो जी ये तो आपकी ही बात लगती है, ये आप ही का है, और ये तो आपसे इन्होंने परमिशन ले ली क्या? दो तीन जनों ने मेरे को मैसेज दिया है एटलीस्ट कि ये जो कर रहे हैं आपके इसके ऊपर, क्या परमिशन ले ली? ये तो आपका है। तो मैंने उनसे कहा, और फिर उन्होंने कहा इसका तो श्रेय आपको जाता है, पर इसने तो वीडियो कैसे बना लिया ये, ऐसे करके उसने कहा, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भाई श्रेय तो जाता है केवल श्री माता जी को, जाता है नहीं श्री माता जी को श्रेय, वो उन्होंने अपने चरणों में लाई, हमें अंदर से ज्ञान दिया, तो श्रेय किसका है? श्री माता जी का। अब उसका, श्री माता जी का दिया हुआ हो और उस पर मैं अपना टैग लगा लूं मेरा है, तो क्या जस्टिफाइड होगा?
टैगिंग कर देते हैं ना, मेरा ये मेरा, तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे अनऑथेंटिकेटेड जो है ये काम कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आपसे परमिशन नहीं ली। मैंने कहा इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है परमिशन की। हाँ कोई अपना मटेरियल बदल के गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा तो है प्रॉब्लम। उसने तो बेचारे ने एज इट इज दिखा रखा है, उसमें सारा सब कुछ एज इट इज होता है, वो जो आर्टिकल है उसको उसने दिखा रहा होता है, और वो बोल उसमें से आवाज भी आती है। तो यहाँ मेरा तेरा कुछ है नहीं, और आपको पता ही है कितने सारे लोगों ने बहुत बार आगे आगे बढ़ा दिए हैं मैसेज, किसी ने तो अपने अपने नाम के आगे भी बढ़ा दिए, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मटेरियल तो एक ही जगह से आ रहा है ना, सोर्स तो एक ही है ना, आप उस पे टैग कर दो अपना नाम, स्टिकर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे भारत में तो एक्सपर्टीज है इस चीज की, चाइना की प्रोडक्ट होगी अपनी अपनी कंपनियों के स्टिकर लगा देंगे, क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट सारी चाइना की चल रही है। अगर चाइना की प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगी सेम आइटम, तो अमेरिका वाले अपना स्टिकर लगा देंगे, जब और कहीं और जर्मन में जाएगी जर्मन वाले लगा देंगे, प्रोडक्ट तो एक ही है ना। तो ये जो सोर्स है पीछे से जो आ रही है जो भी चीज, वो ऐसी चीज जो कि आपके हृदय को आनंद देती है, आपके अंदर एहसास कराती है सत्यता का, वो तो केवल एक ही जगह से आ सकती है, वो है श्री माता जी। हाँ माइक किसका है, माइक कौन सा इस्तेमाल किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही सोर्स है ज्ञान का, तो एक ही सोर्स है ज्ञान, वो जो आनंद दे रहा है। अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो आनंद दे रहा है, तो उसका तो सोर्स और कोई हो नहीं सकता, तो इसके लिए टैगिंग करने की जरूरत तो कुछ है ही नहीं। हाँ बस नाम इसलिए लिखना पड़ जाता है, बहुत बार लोग ऐसे लिख देते हैं कि श्रीमाते ये कौन से लेक्चर के अंश हैं, तो मजबूरी में नाम लिखना पड़ जाता है इम्पल्सिस, अदरवाइज तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन पैदा होता है, वो पूछते हैं कौन से ईयर का लेक्चर है, कहाँ का लेक्चर है, वो श्रीमाते का लेक्चर समझते हैं, प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई चीज आगे जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज जाना चाहिए, मैसेज पे स्टिकर किसका, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या मैं। प्रसन्नता की बात यह है कि जो भी ऐसे कर रहे हैं काम, उनसे जो लोग आनंदित हो रहे हैं या उनको अच्छा लग रहा है, असली बात यह है कि जो एक चीज चली आई और उसने किसी के अंदर आनंद का संचार कर दिया, किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो और क्या चाहिए, उसमें नाम वाम में क्या रखा है, सब मिट जाएगा, दो चार छह पीढ़ी बाद कौन याद रखता है किसी भी चीज को, सब चली जाती है। तो यहां पर तेर मेर का लफड़ा खत्म हो जाता है, ये कहना शुरू किया था मैंने, क्यों लगता है जरा चिंतन करके बताइए, 1 मिनट रह गया है वैसे, ये जो दूसरा वाला शुरू होगा उसमें बताना कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, और आप सबके ऊपर संसार के विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, कि चेतना पे प्रभाव किस किस चीज का आता है संसार की, ये भी आप सब लोग शेयर कीजिए, इससे बड़ा जब हम जी रहे होते हैं तो हम अपना जो एक्चुअल उस दिन जैसे मेरी मुस्कान से बात हो रही थी तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं या तो अपनी मम्मी की तरह सोच रही होती हूँ या पापा की तरह सोच रही होती हूँ। मैं अपने अपने जैसा सोचती ही नहीं हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। तो मुझे बड़ी सही लगी उसकी वो बात कि हम इतने उस चीजों में हम ग्रो कर चुके हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसके बारे में कब सोच रहे हैं और उनके जैसा जीते रहते हैं। हम अपने जैसा नहीं सोचते कि हम क्या सोचते हैं, हमारी एक्चुअल आइडियोलॉजीज क्या है। तो ये जो प्री लिव्ड नोशंस, कंडीशनिंग्स और हमारी जो चीजें हैं संस्कार, ये हमारे पे हावी रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव संस्कार का होता है।
जो हमारे में हाँ पेरेंटल संस्कार है, पेरेंटल पेरेंटल, कुछ और जो मतलब अभी हमारे जहां हम रह रहे हैं, मानो हम एक जगह को बिलोंग करते हैं, वहां के भी होते हैं, हम कंजर्वेटिव होते हैं या हम बहुत अलग सा हिप्पी जैसा भी फील करते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम वेयर वी हेल मे, मतलब एक फैमिली का तो है ही इन्फ्लुएंस, सराउंडिंग्स का भी इन्फ्लुएंस होता है हम पे। सराउंडिंग का भी इन्फ्लुएंस होता है। हाँ जैसे हम सोचते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता या यहाँ ऐसा नहीं होता, मैंने अक्सर अपने घर में ऐसा सुना, बड़े शहरों में ये चीजें होती है, यहाँ नहीं होती है, ऐसे करके। हाँ या ये मैं ऐसा सोच, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी मेट्रो से हूं तो मुझे ऐसे सोचने की आदत है, या मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो मतलब हमारे एक समाज का, शहर का ना, ये बात पे, तो है, ये पेरेंटल इन्फ्लुएंस तो है, सोशल इन्फ्लुएंस है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस की। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? हमारा अपने स्वयं के लिए क्या इन्फ्लुएंस है सबसे बड़ा? संसारी हमारा जब हमारे खुद के अस्तित्व के विरोध में कुछ बात होती है तो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट बात। जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसके, हमारा जैसा भी है, चाहे वो कंडीशन है हम, चाहे हमें पेरेंटल कंडीशनिंग मिली है, सोशल कंडीशनिंग मिली है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इंसान को अगर उसका कोई विरोध कर दे जैसे भी है, जैसे भी कोई है, उसका बस कह दे ये ठीक नहीं है, ये तुम ठीक नहीं हो, बस अंदर का काम शुरू हो गया। और क्रिया झगड़ा। प्रतिक्रिया, अहंकार प्रति अहंकार, दोनों के बीच में बॉक्सिंग शुरू हो जाती है अंदर अंदर। एक तरफ अहंकार होता है तो दूसरी तरफ प्रति अहंकार, और बॉक्सिंग हो रही है आज्ञा में, रिंग में उतरे में दोनों नहीं। और फिर अंदर अंदर क्या चलता है? अच्छा ऐसा कह दिया मुझे, आन दो आगे देखूंगा कब नंबर आता है, ऐसा कह दूंगा मैं, फिर कहानी ही बन जाएगी। पूरी पटकथा लिख दोगे आप, चाहे दोबारा नंबर ही ना आए, पर अंदर अंदर तो पूरी पटकथा लिखी गई, कहानी लिखी गई। और कहने के बाद क्या हुआ ये भी फील कर लिया अपने आप ही, यानी कि सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है? यदि आपको कोई क्रॉस एग्जामिन कर दे, बस आपके अंदर का तो बटन दब गया, और ये नहीं पता वो बटन दबावा हफ्ता भर चलेगा, 15 दिन चलेगा, महीना भर चलेगा, कि 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा, ये भी नहीं पता। तो ये हालत ज्यादातर लोगों की रही होगी 100%। टाइम टाइम फैक्टर हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन चलता तो होगा ये। और ये वाली सबसे ज्यादा चीज, ये वाला सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये जो बात हाँ कही ये मेरे दिमाग में, ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आया कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया और फटाक से हट जाते हैं फिर वहां और दूसरी बात यह है कि जब ऐसी दशा होती है किसी की, वो खाना पीना सब भूल जाता है, भूख भी नहीं लगती उसे, रात दिन उसे यही चीज खाई जाती है, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा मैं ऐसा उसकी नजर में है, ऐसा हो गया। हाँ यही तो चेंज आया, पहले ऐसे सोचते थे पर अब धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम हो गई। अब तो आप ही ने सिखाया था, ये टायर हटा दो हम अच्छे हैं, और ऐसे कर लो हम ऐसे ही हैं, फिर आपकी टेंशन खत्म, तो वो जीवन हमें जीने में आसान हो गया। हम कोई भी चीज का जब टैग लगा लेते हैं ना, और उसको फिर टैग को बचाने के चक्कर में 10 चीजें करते हैं और फिर भी उसका अप्रूवल नहीं होता, वहीं पे हम अपने से बार बार लड़ाई करते हैं। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट, देखो हम एंडोर्स करते, देखो हम ऐसे हैं, अपने कम एट योर ओन रिस्क, डील एट योर ओन रिस्क, सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए क्या कर दें,
देखो मैं फिर तुम सही क्या हो, नहीं सिद्ध कर करते सिद्ध करने के लिए, क्या नहीं करता इंसान, क्या सभी कुछ नहीं कर करते। डालता है। मेरी तो हेड ने कुछ ऐसे कहा तो मैंने कहा सिस्टर आई एम अनेबल टू कोप अप, यू टेल मी। तू ऐसे उसको समझ ही नहीं आया वो डील क्या करे, व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा आई वाज कमिंग फॉर दिस ओनली। तो ऐसे करके अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, देखो हम ऐसे हैं, तुम हमसे डील कर पाओगे कि नहीं अब तुम देख लो। और जो लोग मान लीजिए आपस में तथा कथित प्रेम है किसी को, तथा कथित प्रेम इसलिए कह रहा हूं, वो प्रेम होता नहीं है बेसिकली, वो अटैचमेंट होता है। और ऐसे रिश्तों में अगर कोई किसी को कुछ कह दे, बस उसके बाद तो कांटों पे आदमी आ जाता है, कांटों के ऊपर बैठेगा, कांटों पे लेटेगा, कांटों पे सोएगा। और कुछ के तो सारे भूत बाहर अंगारे आ हैं, जाते हैं भाई। अंगारों के ऊपर चलना, अंगारों पर रहना, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है हिडन ईगो। हमको कह दिया, ऐसा कह दिया हमको, ऐसा हमने तो ये किया, वो किया, वो किया, इसके लिए वो किया है, और हमको ऐसा कह दिया। ये वाली कहानी बड़ी खतरनाक है, घर घर में बीमारी है। और इस वाली बीमारी से तो पिंड छूट ही गया होगा अब तक, तो उम्मीद करता हूं। सबसे खतरनाक बीमारी है ये, डेडली डिजीज। और इसमें तो आदमी का तन मन सब खत्म हो जाता है बिल्कुल बुरी तरीके से। दो प्रकार के लोग होते हैं इसमें, दो वर्ग के लोग हैं। एक तो थोड़े दब्बू टाइप के होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया बस चुप हो जाएंगे, कहेंगे तो कुछ नहीं, अंदर 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 इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो अच्छा करते हैं सबके लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे, इसके लिए भी अच्छा कर, उसके लिए भी अच्छा कर, उसके लिए भी अच्छा कर, उसके लिए भी अच्छा कर, करते 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 ऐसी हालत हो जाती है उनकी। और उसके बाद किसी ने उसमें कमी निकाल दी तो बा बिस्तर पकड़ लेते हैं अच्छा करने वाले। इतने इतने इन्फिनिटी के शिकार लोग जो हैं वो परेशान नहीं होते जितना अच्छा करने वाले परेशान होते हैं। सबके लिए जो अच्छा करते हैं, अगर उन्हें किसी ने कह दिया तो समझ लो वो तो बिस्तर में पड़ गए। और उनको तो यही सोच सोच के खाए जाते हैं, हाय हमने तो इतना किया फिर भी हमें ऐसा समझा। और ऐसे लोगों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती यार, अरे भाई दूसरे ने समझाया ना तुम्हें ऐसा, तुम अपने लिए तो ऐसे नहीं हो ना, छोड़ दो पीछा, नहीं छोड़ेंगे, उसने हमें ऐसा कह दिया, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। अब वो पूरे 20 40 50 साल की कहानियां याद कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ये भयानक ईगो की प्रॉब्लम है, ईगो जो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अच्छा करने वालों की ईगो बड़ी भयंकर होती है, दिखाई नहीं देती, ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक वो ईगो होती है, और वो ईगो उनको ही खा जाती है अंदर से। इतना जो गलती करने वाला इंसान है ना उसकी इतनी ईगो खतरनाक नहीं होगी, लेकिन अच्छा करने वाले की जो प्रतिष्ठित है समाज में या खानदान में प्रतिष्ठित है, ये बहुत अच्छा करता है, उसकी ईगो बहुत डेंजरस होती है, उसके खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। क्योंकि फिर वो इतना जबरदस्त रिटेलिएट करता है अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, जो कि बहुत हानिकारक है, जो उसके कार्मिक सिस्टम को भी खराब कर सकता है, अपने प्रारब्ध को, नकारात्मक प्रारब्ध का निर्माण कर देता है ऐसा इंसान। क्योंकि जिसको अच्छा सुनने की आदत पड़ गई ना, अरे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ये सबसे डेंजरस हो जाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में भी और घर में भी, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर। कभी पाला पड़ा ऐसे लोगों से घर घर में? पड़ा हाँ बहुत बार है ना, मेरा अच्छा डेली करने पढ़ता वालों से। ऐसे वाला उनका स्टेटमेंट होता है, हम तो हेल्प कर रहे थे, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे थे, और इतना कंसर्न होता है, उल्टा मतलब अंदर से ऐसे पॉइजनस होते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। थोड़ा सा उनको नहीं बोल दो, थोड़ा सा उनको बता दो हाँ कि ना ये नहीं, तो वो ऐसे हो जाएंगे, हम तो अच्छा सोच रहे थे, हम तो हेल्प कर रहे थे। इसी के लिए कबीरदास जी बोल गए थे,
मान बढ़ाई जगत में कुकर के समान। एक बार पहले ही बोला था मैंने, मान बढ़ाई जगत में कुकर के समान, प्रेम किए तो मुख चाटे, दूर किए तनहान। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, अपनी बड़ाई को चाहने वाला श्वान जैसा होता है। श्वान तो समझते हो ना? डॉग हाँ, कि अगर प्यार कर लिया तो आपका मुंह चाट डालेगा, और दूर करा भाग यहां से तो काट खाएगा। तो ये अच्छा करने वाले खतरनाक होते हैं, बहुत संभल के रहना चाहिए। और जब आपके अंदर ये एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा करने वाला एलिमेंट, तो आपको ट्रांसफॉर्म होने में गलती करने वाले से ज्यादा टाइम लगेगा। किसी के अंदर ये एलिमेंट है कि मैं बहुत अच्छा करता हूं सबके लिए, तो ये जाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर ये चला गया तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद श्री माता ने दे दिया। और जो सबकी सुनता है, कहता है तो गलती करता है, वो तो बेचारा अंदर से दब्बू टाइप का अपने आप को हीन समझ ही रहा है। लेकिन जो अच्छा समझता है वो सबसे ज्यादा घातक होता है, जो अच्छा समझता है अपने आप को। क्योंकि सबकी नजरों से मतलब है मेरा, सबकी नजरों में अच्छा। और जो सबकी नजरों में अच्छा बनते हैं वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अगर आप कहीं से उनको थोड़ा सा अपोज कर दो तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएंगे। तो बहुत से सहजीवों के अंदर ये बीमारी होती है। और ऐसे सहजी यदि ये बात सुनकर, YouTube पे अगर मेरी बात सुनकर फिर भी ये चाहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, अपनी इस आदत से दुखी हैं, तो बस ये क्रेडिट लेने वाली बीमारियों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। एक दिन मुक्त हो जाओगे, और जब मुक्त हो जाओगे तब आप कहोगे, हाय कितने बेवकूफ थे हम, क्या क्या करते थे हम। खुद को ही हंसी आएगी, ये क्या करते थे हम ऐसा। तो ये एक सबसे गंभीर समस्या है, सबके लिए अच्छा करना और फिर चिंता करना कि कोई ऐसे अच्छा करने वालों के कान बड़े लंबे होते हैं। इतनी जैसे वो दूर से सुनने वाले कौन से प्राणी होते हैं जो बहुत दूर से सुन लेते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कई कई मीटर से सुन लेते हैं। वैसे वाले प्राणी जो अच्छा करते हैं ना, सबके लिए तथाकथित अच्छे करने वाले, उनके कान बड़े बड़े लंबे होते हैं। यानी कि कान ऐसे खुले रखते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं कह रहा, कोई हमारे बारे में बुराई तो नहीं कर रहा, ऐसे खतरनाक कान होते हैं इनके। और किसी ने कर दी तो बस पूरी दुश्मनी हो गई, समझ लो। अभी तो अच्छा करने वाले थे और फिर ऐसे जन्म जन्मांतर के शत्रु बन गए एक मिनट के अंदर ही। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बड़ा देखा है खानदानों में। अभी तक तो बहुत अच्छे थे और एकदम शत्रु बन गए। अरे भाई, अगर आप अच्छा करते हो तो इतनी शत्रुता किस लिए भाई, किसी से आपकी बात नहीं मानी किसी ने, इसलिए शत्रुता निभा रहे हो। एनीवे, तो ये जो एलिमेंट है हमारे अंदर, ये बहुत खतरनाक है। अगर हमारे अंदर है तो उनको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दो। सबसे ज्यादा घातक है सेंट में, ये मुक्त नहीं होने देंगे कभी जिंदगी में। जो सबकी सुनता रहता है ना, और जो अपने आप को बहुत ही इनकॉम्पिटेंट समझता है, वो फिर भी ठीक हो जाता है। लेकिन अच्छा करने वाले लोग बहुत लंबा टाइम लगाते हैं मुक्त होने में इन बातों से। क्योंकि अच्छा अच्छा सुन सुन के वो अहंकार की परते 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 इकट्ठी होती चली गई ना, बहुत सारी परतें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर वास्तव में किसी को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि भाई अच्छा ही सुनना है हमें, अच्छा कर करके दिखाना है, और आप परेशान हो चुके हो इस आदत से, आपने एक इमेज बना ली, मैं हमेशा अच्छा करता हूं, और आप अपनी इमेज में बंध गए और आप हो अंदर अंदर बहुत परेशान, तो एक सलाह देता हूं ऐसे लोगों को मैं, बुरा मत मानना कोई भी, थोड़ा सा ना खराब करना शुरू करो कभी कभी, महीने 2 महीने में थोड़ा सा जानबूझ के खराब कर दो।
तो लोग कहेंगे यार ये क्या कर दिया। तो धीरे धीरे आपको जो है ये आदत पड़ेगी कि भी ठीक है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी थोड़ा आम जैसा हूँ। तो एक समय आएगा आप इस चीज से मुक्त हो जाओगे। ये अच्छा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे के माँ बाप बचपन से उसके अंदर कूट कूट के एक जहर भर दे कि तुझे तो भाई 98% ही नंबर लाने, इससे कम नहीं लाने। ये पॉइजन भर देते हैं बहुत से पेरेंट्स, और वो बच्चा इतना परेशान हो जाता है इस चक्कर में, जान लगा देता है अपनी, मैं ये करूंगा और वो करूंगा और वो करूंगा, और वो बेचारा अंदर हमेशा टेंशन में रहता है। और अपनी उस इमेज को बनाए रखने के चक्कर में अपनी क्लास के बच्चों के साथ भी शत्रुता बना लेता है। अगर उसके आसपास का बच्चा कोई 98 लाने वाला है तो उसको शत्रु मानना शुरू कर देता है, और इस शत्रुता का क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, जिन्होंने उसके अंदर जहर भर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। भैया हाँ मीनाक्षी, मेरी हाँ ये मेरे साथ हुआ है ऐसा, आपके ये साथ हो मेरे रहा साथ हुआ है। हाँ है? अच्छा हाँ मतलब क्या किया? हमेशा टॉपर, यही मतलब हर हर चीज में कॉम्पिटेंट और हर चीज में परफेक्शन, मतलब कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ये सब करके मतलब जब सेटबैक्स लगे लाइफ में तो जॉब में आने के बाद मतलब हमेशा आपको सब चीजें नहीं मिलेंगी ना, तो अब दिक्कत आ रही है ये वाली चीज, क्योंकि आपने सही कहा है कि ये खत्म करना ज्यादा मुश्किल है, ये वाली हाँ चीज खत्म करनी उस वाले से मुश्किल है। और आप ये भी सही कह रहे हो कि अब मैं जानबूझ के गलती करती हूँ, कुछ चीजों में पीछे रहते हैं हम, कि कुछ चीजों में हम पीछे रह के देखते हैं कि कोई दूसरा हमें गलत कहे और मैं कितना टॉलरेट कर सकती हूँ, कि कोई मुझे कुछ मतलब गलत कह दे तो मैं कम मतलब जैसे सहन करना है मतलब उसको, कि अगर कोई हमें गलत सुना भी रहा है, क्योंकि हमेशा हमने परफेक्शन की तरफ वो किया है कि हम हर एक काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। अच्छा परफेक्शन का मीनाक्षी बताइए, परफेक्शन का आधार या पैरामीटर क्या होता है? व्हाट इज द पैरामीटर एंड बेसिस ऑफ परफेक्शन? वो भी सेट करते हैं ऑन व्हाट बेसिस जो वी डिसाइड कि वी आर परफेक्ट? वो जो बेंचमार्किंग करते हैं हम अपने आसपास की चीजों से, जो हमारे आसपास की कुछ भी बेंचमार्किंग होती है ना, बेस्ट जो भी होता है उसी से बेंचमार्किंग करते हैं। यानी कि एक कंपैरिजन हमारे पास है, प्रेडिक्शन कंपैरिजन, हाँ हमेशा होता है वो होता है। कंपैरिजन। तो जैसे हम टॉप करते थे क्लास में, हमेशा टॉप करते थे, तो रहता था कि कभी भी सेकंड नहीं आना, और ये चीज हमारे अंदर कूट कूट के भर दी थी पेरेंट्स ने। ओहो आप तो बेशिकार हो, चलो चलो कोई हाँ बात नहीं। मैं मतलब कभी सेकंड नहीं आना था, तो वो चीज ना फिर लाइफ में इवन मतलब घर के काम में भी हर चीज आपको आनी आनी चाहिए, हर मतलब बहुत तंग हुई इस चीज से, परेशान होते हैं हम, क्योंकि हम सुन नहीं सकते हैं किसी की भी। हमारे यहाँ जैसे पे आप कह रहे हो मीनाक्षी ना, कुछ लोग जो सुन लेते हैं उनको बदलना आसान है। मेडिटेटिंग सोल में 50-60 लोग तो हैं ही। मैं सबसे कहूंगा रोज तुम्हें कोई ना कोई एक जना सुना दे, ऐसे ही हाँ चलेगा काम? सही है, हाँ ठीक है, अब मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, बुराइयां मतलब पचास मेरी साठ बुराई रोज करो हर रोज एक जना कुछ ना कुछ ऐसी सुना देगा तुम्हें, तो ठीक हो जाओगे बिल्कुल। कमी कमी नहीं कमी बता दो। अच्छा लेकिन भैया चेंज मतलब सेशंस के बाद चेंज आ रहा है, एक तो अच्छा ऊर्जा में भी चेंज आता है, तो मतलब अब उतना ज्यादा वो नहीं बढ़ता, थोड़ा सा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर लगता है नहीं ये कंडीशनिंग है हमारी, और बहुत डिफरेंस फील होता है, मतलब मेरा हार्ट खुल रहा है, मतलब ये सेशंस अटेंड करने के बाद माइंड की चीजें कम हो रही है और हार्ट खुलना शुरू हुआ, मेरे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुए हैं, मेरे आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील होने लग गया है, मतलब दूसरी साइड की कहानी है, मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है, कि बिल्कुल जैसे इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थी, तो मेरे साथ के जो लोग हैं उनको कंफर्टेबल फील होता है, मतलब उनको
जैसे अंदर से लव भी क्रिएट हो रहा है मेरे अंदर से, मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि सच में बहुत मुश्किल है ईगो के साथ रहना, बहुत मुश्किल है, कंफर्ट नहीं रहता, मतलब जो अंदर सोल का जो कंफर्ट है ना वो मिस होता है बार बार। जो परफेक्शन पसंद इंसान होता है ना, वो तलवार की धार पे चलता है 24 घंटे। हाँ सही है, और उसके लिए ज्यादा मुश्किल है ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो, आदत पड़ गई ना, बड़ी भारी आदत पड़ गई। होती है। पर मुझे हाँ खुशी मतलब है कि तुमने इतनी स्वेच्छा से अपनी बात शेयर की, इसके लिए भी हौसला चाहिए। तो बदलना है ना ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल। का, ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी पहचान तो यही है, खुद ही आप अपनी बात बता रहे हो, अपनी खराबियां, इससे अच्छी क्या मुझे बात पता है। है ना। हाँ भैया पता तो है, और अब ये पता है कि एडमिट करने से ही निकलेंगी। यस, देखो हम में से तो कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहने वाले है नहीं, तुम खुद ही अपने आप को उल्टा सीधा सेशन में कह दिया करो, तो सबसे बढ़िया चीज है ये। अपनी जो खराब बात ठीक है लगे अच्छे से अपने आप को कह दो सबके सामने, फिर देखो कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। फैक्ट बता रहा हूं मैं भाई, हम लोग तो वो भी नहीं कह ना। पाएंगे ना, मैं तो मजाक कर रहा था, खैर हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अब हाँ कोई गलती हम करते हैं तो मैं करती हूँ, जैसे कोई गलती तो अब ज्यादा दिखती है, मतलब पहले माइंड से दिखती थी वो, अब थोड़ा अलग तरीके से दिखती है, मतलब अब फील हो जाती है। और पहले भी मैं सॉरी बोल देती थी बहुत जल्दी, मतलब ऐसा नहीं था, माइंड से भी मैं सॉरी हमेशा फील करती थी और बोल भी देती थी सॉरी। लेकिन अब ये होता है कि मतलब कि चेंज करना है मुझे, फेस करना है मुझे, चेंज करना है इसको, मतलब एक्चुअली ये हाँ एफर्ट आ रहा है अंदर से। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने आप से ही, हाँ होते हैं ना परेशान। आनंद में नहीं रह पाते, मतलब ज्यादा देर, जैसे मेडिटेशन में तो अच्छा लग रहा है, ध्यान के समय पे अच्छा लगता है, और बाकी फिर उसी मोड में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, ऐसा लगता है आपको? अब नहीं अब तो हो रहा है भैया, हो रहा है, काफी चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है भैया, ऋषिकेश कॉन्ग्रेचुलेशन। के बाद तो बहुत ज्यादा चेंज था, वर्कशॉप के बाद तो बहुत ज्यादा चेंज था। अच्छा एक बात बताओ, ऋषिकेश में आप गए, उससे पहले आप कहीं भी रहे? मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, मैं मतलब मेरा मतलब है मेडिटेशन से संबंधित, तो आपको क्या लगा ऋषिकेश में? बहुत कुछ भैया, बहुत सारी चीजें, मतलब एनर्जी लेवल तो घर से 1 वीक पहले से ही काफी ज्यादा शुरू हो गया था, और वहां पे भी मैंने शेयर किया था आपसे कि मतलब पूरा दोनों जो आ गया है, मतलब लेफ्ट ये राइट कौन सा वाला है, राइट आ गया, मतलब ब्लॉक हो रहा था पूरा, ब्लॉक हो रहा है। और ब्लॉक हो रहे थे दोनों आ गया। और घर आने के बाद जैसे लेफ्ट ब्लॉक हुआ, फिर मतलब जैसे ही घर में पैर रखा ना मैंने, तो ड्रास्टिक एकदम से चेंज फील हुआ, घर के अंदर पैर रखते ही तो वो कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस फील हो रहे थे, फिर मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया था, और मतलब मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स क्रिएट हुई अच्छे वाली, मतलब सबके लिए बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट हुई, जिसका कि दूसरे लोगों पे, जैसे कि मैं नहीं गई हूँ बाकी लोग गए हैं, बाकी लोगों के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा, मतलब उनका बिहेवियर, उनसे भी मुझे लव मिला। अच्छा, जैसे आप चिंता कर रही थी पहले, तो आपने कहा अभी मेरे बच्चे का बर्थडे है मैं नहीं आऊंगी, फिर आपका प्रोग्राम बन गया, फिर आप घर पहुंच गई, हाँ बर्थडे का टाइम से पहले पहुंच गई थी। बिल्कुल सही टाइम पे, बिल्कुल ऐसा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में था, मैं वहीं पे ही पहुंची थी, देखा, मैंने और तुमसे उसको क्या कहा था कि कोई चीज बोलने, खराब नहीं इतना होगी। अच्छा फोटो क्लिक किया मैंने, वो भेजा था आपको फोटो की, क्या बर्थडे उसका, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। अब बताइए, आप पहले से चिंता करे पड़े थे कैलकुलेशन के आधार पे, यश लेकिन परमेश्वर माता जी जी ने ने सब और भी कुछ। बहुत सारी चीजें करी उसमें, तो इतनी सारी चीजें श्री माता जी ने की, मैं जो यहाँ बता भी नहीं सकती, बहुत कुछ हुआ।
बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ था मेरे को वहां पे पहुंचाने में। श्री माता जी ने, मतलब श्री माता जी चाहती थी कि मैं वहां जाऊं बस। ओके हाँ, ये चीज मैंने फील करी, क्योंकि मेरी तरफ से ये था कि अगर मेरे को किसी ने जरा सा भी कुछ कहा, जैसे थोड़ा इगोइस्टिक बिहेवियर है मेरा, तो मेरे को ये लगता था कि जैसे मेरे हस्बैंड ने अगर ना जरा सा भी मुंह बनाया ना, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं माँ से ऐसे बात कर रही थी श्री माता जी से, श्री माता जी अगर इन्होंने मुंह बनाया ना, फिर नहीं मैं जाऊंगी। तो वो मुंह बना नहीं और मैं चली गई। नहीं बना मुंह नहीं बना, मतलब वो खुद छोड़ के आए मुझे। भाई, वाह क्या बात है। हाँ, इन लोगों को मिले थे, गीता दीदी को, जिनके साथ मैं गई थी, गीता दीदी और डेजी को, तो उन वो लोग भी कह रहे थे बड़ा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो और तुमने उन्हें डंडे पे रखा हुआ है तो बेचारे वही क्या करे। हाँ, ये तो है, शुरू से ही रखा हुआ है। पर आने के बाद बहुत ज्यादा चेंज था भैया, वहां से आने के बाद बहुत चेंज था। तो डंडे पे तो नहीं रखती हो। नहीं नहीं भैया, हाँ नहीं चेंज, मतलब देखो तब मैं कह रही हूँ 1 महीने तक तो बहुत वो रहा, थोड़ा थोड़ा सा वो फिर दोबारा आ गए आता है ना, फिर हाथ में। हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे आप बता रहे थे ना अभी, ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐसे लोगों में होता है कि हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आर्ग्यू करते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें लगता है हमें कोई कमी नहीं है और हम जल्दी से अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज कम हो रही है लेकिन खत्म नहीं हुई है अभी। आयशा पूछ रही है डंडे पे रखने का डंडे क्या पे मतलब है। लटका मीनाक्षी तुम बताओ, हाँ भाई, अब तुम्हारे को तो एक्सपीरियंस है, मेरे को तो आयशा तुम एक्सपीरियंस है नहीं। कितनी भोली हो। तुम बताओ मीनाक्षी, डंडे पे रखने का मतलब क्या होता है आयशा को। उनकी एक भी चीज पे उनको छोड़ो मत, कोई भी अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की है तो उसको उसी टाइम पकड़ लो और अपनी गलती बताओ मत। देखा, ये रहस्य की बात है, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है, ये तथ्य मुझे मालूम नहीं, ये क्योंकि मैं मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है खुद का। सामने वाले की गलती छोड़ो मत और अपनी गलती बताओ मत। इसे आयशा समझ लिया, इसे कहते हैं डंडे पे रखना। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। अच्छा हुआ आयशा ने पूछ लिया, इतना डिटेल में तो किसी को नहीं पता होगा, बहुतों को हेल्प मिलेगी। देखो भाई, ये रहस्य वही बता सकता है जो डंडे पे रखता है। हर एक को तो पता ही हाँ नहीं है चीज। क्यों मीनाक्षी, वेल डन, गुड जॉब, मीनाक्षी ने शेयरिंग अच्छी करी है। मेरे नहीं यार, हस्बैंड बोलते हैं तू बॉस को भी डंडे पे रखती है, तेरा बॉस भी डंडे पे रहता है ऑफिस में भी, तू चेंज सबको डंडे पे रखती है, तो मुझे ये चेंज करना है अपने अंदर ये, करना है। मतलब हाँ ये चीज चेंज करनी है। ऐसा मैं अपने बारे में ऐसा नहीं चाहती कि सब लोगों को मैं डंडे पे रखूं। तो अब आपके हस्बैंड ने ये जरूर कहा होगा, मीनाक्षी अब तुमने डंडा तो हटा दिया लेकिन स्टिक अभी भी हाथ में है, ऐसा है क्या। अभी वो ऐसा इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो एडमिट कर ले, मतलब ये अच्छा उनके अंदर भी तो ईगो है। हाँ भैया, वो तो तुमने ही दिया है उन्हें, तुमने तो वो थोड़ा गिफ्ट इतनी किया है, हर बर्थडे पे टाइम गिफ्ट टाइम लगेगा एडमिट करने में। की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब ये आपने विचार करना शुरू कर दिया तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, हस्बैंड वाइफ की ईगो आज की थोड़ी है, अब पार्वती माँ को भी तो कुछ चढ़ जाता था दिमाग में, भोलेनाथ जी समझाते समझाते थक जाते थे, पर उन्हें समझ में आता था क्या पार्वती माँ को, नहीं आता था ना। जब वो कर करा लेती थी, सब कुछ परिणाम आते थे, तब कहते थे, तब कहती थी पार्वती माँ आपने सही कहा था। तो भैया तो वहां से आ रहा है चला हुआ, कोई नई बात तो है नहीं, सबके अंदर एलिमेंट होगा ये तो। क्यों मीनाक्षी, पार्वती माँ ने हाँ पहुंचाया, डीएनए में है पार्वती माँ के, तो हमारे अंदर भी आ गया ये चीज, नहीं महिलाओं में। हाँ बाद में अब देखो पार्वती माँ भी अंदर कहाँ से मानती थी अच्छा, उनकी बात, आप पौराणिक कथाओं में देख लो, भोलेनाथ जी कहते थे ये ठीक नहीं है, तो पार्वती के नहीं मुझे तो करना है, फिर भोलेनाथ जी मुस्कुरा के कहते कर लो। हाँ तो पार्वती माँ ने महिलाओं के डीएनए में दे रखा है, ये कोई नई बात तो है नहीं, पर ये जो हाँ परिवर्तन आ रहा है ये अच्छी बात है।
हाँ भैया, नहीं मैं अब एडमिट मतलब फीलिंग्स अपनी बताती हूँ, शेयर करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी हाँ गुड, बहुत मैं अच्छा। उनके सामने ही बता देती हूँ कि भी पहले मैं ऐसे करती थी, अब मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं उनको ये भी एडमिट कर रही हूँ। तो आपकी इस एडमिट करने को शंका भरी दृष्टि से तो नहीं देखते कि यार कहीं कुछ चक्कर और तो नहीं है? मीनाक्षी ऐसे कैसे कह सकती है भला? ऐसी शंका तो नहीं होती उन्हें? होती नहीं, होती होगी थोड़ी बहुत, होती होती होगी थोड़ी बहुत। बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा टेंशन हो जाती होगी, अरे कुछ नया तो नहीं आने वाला। भैया उनका थोड़ा अच्छा, ध्यान लगने लग गया है, अभी उनका ध्यान लगने लग गया है थोड़ा सा। उन्हें ये हाँ लगा होगा मीनाक्षी में बदलाव आ गया था, जरूर कुछ बात तो है ध्यान में। चलो भाई मैं भी बैठता हूँ, नहीं, वो चीज अब थोड़ा सा बैठने लगे, मतलब खुद के साथ बैठते हैं। उसके साथ बैठते हैं। हाँ जब आप उन्हें डंडे पे रखोगी तो बेचारे अपने साथ ही तो बैठेंगे, फिर किसके साथ बैठेंगे? नहीं, उनके दोस्त बहुत हैं भैया। दोस्त बहुत हैं। चलो एक बात, हाँ एक काम करना, आप उनसे बड़े प्यार से पूछना आपकी दोस्तों में इतनी रुचि क्यों है, तब वो रहस्य खोलेंगे आपको। मैं तो नहीं खोलने वाला, लेकिन आपको वो खुद ही खोलेंगे कि इतने दोस्तों के प्रति लगाव क्यों हो जाता है, बता देंगे। पूछना कभी, क्यों आपके लिए भी एक अच्छी चीज होगी समझने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो आंतरिक परिवर्तन है वो जब हमारे अंदर घटित होता है उससे क्या प्राप्त होता है हमें, व्हाट वी गेट? मुझे हाँ मुझे आपके लिए। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, अब वो चाहिए मुझे। चाहिए मुझे चाहिए हम, किस लिए चाहिए ये भी बता दो, रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मेरी सोल की रिक्वायरमेंट है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सोल के साथ रहना चाहती हूँ। ओके, तो पहले सोल के साथ क्यों नहीं रह पा रही थी, रीजन? पहले टच नहीं किया था, वो फील नहीं किया था, मेंटल था, माइंड में ही था। अब ओके ओके, अब ये रियलाइज होता है थोड़ा थोड़ा, है? ये फील कर लिया है कि हाँ, जैसे आप मतलब ये वाला हार्ट खुला, मतलब जैसे आप पूछ रहे थे ना अभी सेशंस अटेंड करने से क्या हुआ, जैसे मैंने तो बहुत कम किए हैं, शायद आज मैं पहली बार ही एक ओपनली, क्योंकि अब मैं घर में नहीं हूँ इसलिए अटेंड कर पा रही हूँ आज, तो ये मेरा मतलब पहला ही दूसरा सेशन होगा शायद आज तो। लेकिन जो मैंने वीडियोस देखे और ये सुने, मतलब ये वाले अब जो आप भेजते हो, तो हार्ट में जो ऊर्जा महसूस हुई और मतलब हृदय से सहस्रार कनेक्ट हुआ, तो एनर्जी का फ्लो भी बना। और फिर उसके बाद जब डीप मेडिटेशन की एक दो वीडियोस किए, फील किए, तो जो अंदर फील होना शुरू हुआ, तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वो डीप मेडिटेशन वाली वीडियोस थोड़े से ज्यादा अटेंड करूं, मतलब कि दोबारा उनको फील करूं। मेरा मतलब उस तरफ जा रहा है कि मुझे वो करने हैं, मतलब क्योंकि मेरे को गहराई में जाना है, और वो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका इफेक्ट बाहर आ रहा है कि जो गुस्सा था या वो चीजें तो खत्म हो ही रही है काफी, क्योंकि बोलती ही नहीं हूँ अब मैं, बहुत नहीं मतलब बहुत कम बोलती हूँ, तो उनको ये भी लगता है कि भी बोलना बंद हो गई है, चुप हो गई है एकदम, क्योंकि मतलब मैं आपके सामने तो अभी वैसे बता रही थी, बट अदरवाइज मतलब बोलना अंदर से बाहर से कम हो गया है। बहुत सुंदर। देखिए एक मिनट हाँ तो मीनाक्षी, YouTube पे आप लोग जो देख रहे हैं, मैं मीनाक्षी की बात को आप सबके साथ एक चीज के साथ जोड़ना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए मीनाक्षी ने कितना सुंदर मैसेज दिया है आप सबको, कितना खूबसूरत मैसेज है अगर बारीकी से देखें, कि जब हम अपनी सोल की तरफ चलते हैं या हम सोल के साथ कनेक्ट होने लगते हैं तो हमारे अंदर का जो जितना भी एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो माइंड ओरिएंटेड बिहेवियर है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो घटना शुरू हो जाता है और आप शांति की तरफ चलते हो, आपको खुद ही अशांति अच्छी नहीं लगती।
खुद ही नाराज होना अच्छा नहीं लगता, गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, किसी को कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। तो सोल के कनेक्शन के साथ में, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, व्हेन वी कनेक्ट विद अवर सोल, दैट अवर सोल हार्मोनाइज अवर अवेयरनेस, हमारी चेतना को हार्मोनाइज करती है सोल हमारी। कितना सरल है, यानी कि जो बहुत गुस्से वाले हैं, जो बात बात पे बिगड़ जाते हैं और किसी की बात नहीं सुन सकते, अपने आप से परेशान भी हैं, तो यदि वो अपनी सोल के साथ कनेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से शांत होकर खुश रहने लगेंगे। मीनाक्षी, रोना आ रहा है? रो रो, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा भी नहीं, सब निकाल दो खाली। क्योंकि सोल हमें रियलाइज कराती है ना, सोल पता क्या कहती है, अरे क्या जरूरत है गुस्सा गुस्सा करने की भाई, इतना तो मजा आ रहा है अंदर, तो क्यों गुस्सा करना किसी पे। तो सोल रियलाइज कराती है हमें, तब हमारे जो टेंडेंसी है एंगर की और रिएक्ट करने की, चिड़चिड़ाने की, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। हम चूंकि ट्रैप है, हम अपनी ही कंडीशनिंग में ट्रैप है, अपने ही टेम्परामेंट माइंड की कंडीशनिंग में ट्रैप है, और जब वो ट्रैप हटता है ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और ये रोना दुख का नहीं होता है, ये एक अच्छी फीलिंग का होता है कि अरे कितना बोझा लेकर हम घूम रहे थे, अब ये सारा हल्का हो गया। कितनी जो परफेक्शनिस्ट होता है ना, उसका बोझा बड़ा सर पे चढ़ा होता है, 36 चीजों को देखना पड़ता है उसको, हर चीज को भी, ये भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, एक तरीके से मैनियाक हो जाता है वो। परफेक्शन का मतलब मैनियाक, बिल्कुल। और उसके चक्कर में वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं उसकी चारों तरफ की, और फिर एक दिन खुद से परेशान भी हो जाता है कि कैसे हो। तो लेकिन जब हम सोल को टच करते हैं तो धीरे धीरे सोल हमें हार्मोनाइज कर देती है। अरे वो धीरे से अंदर से कही, क्या है, अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ गया, थोड़ी हाँ कमी रह गई तो क्या फर्क होता पड़ गया, क्यों मीनाक्षी? बिल्कुल है। हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसा होता है ना। हाँ और फिर वो कहती है, अच्छा अगर आपका बहुत अच्छा साफ सुथरा सा नहीं है अभी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर गेस्ट ऐसी हाँ स्थिति में आ जाए कि थोड़ा सा अगर गंदा है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये धीरे 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 करके आपके अंदर ये वाली समस्याएं खत्म होने लगती हैं, क्योंकि हमने ही तो पैरामीटर बनाया, गेस्ट आए तो घर बिल्कुल चमचमाना चाहिए, ये हमने ही तो पैरामीटर